Today, I can proudly stand here and vouch that our Air Force has always lived up to the Qaeda's expectations and delivered on the task assigned to it. The most recent example of PF's professionalism was our befitting and determined response to the Indian aggression in February 2019. पाकिस्तान के दुश्मनों को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आलमी मुआशी बहरान से पाकिस्तान को मुतासर नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PAF असगर खान अकेडमी में कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मसले कश्मीर हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क्याम नामुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के खुले खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजीर आजम ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाक फिजाइया ने हर चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। यकीन है मुसल्ला अफवाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेंगी। जंगी काफिलों पर साबिक आर्मी चीफ का बयान दुरुस्त पेश नहीं किया गया। मुसल्ला अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ISPR का कहना है कि पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। यकीन दिलाते हैं आवाम को हमेशा फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी काबिलियत पर फख्र रहेगा। फौज ने दिफाए वतन के लिए अपने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल को हमेशा तैयार रखा है। हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम को एक और महंगा तोहफा। जान बचाने वाली अद्वियात 70% तक महंगी कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल दोबारा खोलने की मंजूरी भी दे दी गई। शरीफों का जहां पांव पड़ जाए वहां खैर नहीं होती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरीफ पहले गैर कानूनी इकदामात करते हैं और फिर मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं। इमरान खान ने शाह महमूद को कहा, हुकूमत की नीयत खराब देखें तो मुज़ाकरात छोड़ दें। शरीफों ने हमेशा इंतकामी सियासत की है। झूठे मुकदमे पर पकड़ दकड़ शरीफ खानदान का वतीरा है। नवाज शरीफ भगोड़ा है, वापस आएंगे तो बात होगी। उधर परवेज़ इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। पीटीए रहनुमा फारूक हबीब FIA के रडार पर। गिरफ्तारी से बचने के लिए FIA ने फारूक हबीब को पेरोडो मुल्क जाने से रोक दिया। OPIA की परवाज से दुबई जा रहे थे, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से रोका गया। FIA ने फारूक हबीब का पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और दस्ती सामान कब्जे में ले लिया। फारूक हबीब कहते हैं, करीबी अजीज का अयादत के लिए बैरून मुल्क जा रहा था मगर नहीं जाने दिया गया। मुल्क में फस्तायत और फासिज्म अरूज पर है। मरदमशुमारी की तारीख में 15 मई तक तौसी। वफाकी वजीर मंसूबा बंदी हसन इकबाल कहते हैं, शहरी इलाकों में गिनती का अमल सुस्तरवी का शिकार है। महसूस किया गया कि दूरदराज इलाकों में तमाम लोगों को शुमार नहीं किया गया। उधर MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुतहदा वफ्द ने मरदमशुमारी में बेजाबतियों पर मौकिफ तस्लीम करने पर सरबराह PDM का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी में अब तक 23 करोड़ 75 लाख अफराद को गिना जा चुका।